देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तेरी मछली पकड़ के मैं खा जाएंगा, तेरी मछली पकड़ के मैं खा जाएंगा, उसके बाद जरा भी डकार नहीं लेगा। मेरे को लगता है तू अब तक काफी मछली हजम कर चुके लिए। नहीं रे हैंडसम, वो तो दादूस ने मेरे पे बहुत कंट्रोल किया है। अगर दादूस ने मेरे पे कंट्रोल नहीं किया तो अब तक मैं रोज 4-5 मछली का शिकार करके खा जाता। मेरे को बाथरूम नजर नहीं आ रहा है, किधर कोएंगा? क्यों, बाथरूम में क्या करेगा? बाथरूम में जाएगा, लुंगी उठाएगा और गाना गाएगा। आउच, आई गॉ, उंगली कट गई। हुआ रहेगा? नहीं हुआ रहेगा। दादूस, मेरे को इसके दादा टाइप का मछली बहुत पसंद आया। तुमको इसका भैया पसंद आया रहेगा? दादूस, मैं उसका हैंडसम भाई से शादी बनाएगा। तुम हमारे गले से लगेगा, तुम हमारे होने वाला जीजा होएगा, मैं तुम्हारा होने वाला जीजा होएगा। क्यों बे विभूति, मछली करके बहन तुझसे सेट हो गई? सेट नहीं हो गई है, मेरे पीछे पड़ी हुई हाथ धो के। क्या मतलब? मतलब शादी करना चाहती हूँ, और क्या मतलब? तो इसमें दिक्कत ही क्या है विभूति, शादी कर ले। कर ले मतलब? हाँ कर ले मतलब? भाभी जी गुस्सा खराब है आपको? भाई ये प्रेम तुम्हारे ना चुल मची रहे। तुम दोस्तों के दुश्मन हो इसके? हाँ कैसी वाहिया सलाह दे रहे हो उसको? नहीं एक बात बताओ, शादी करवाना है ना? शादी करवाना है तो फिर मैं कौन हूँ इसकी? नहीं नहीं भाभी जी, मेरा मतलब अपना मतलब अपने पास रखो, अपने पास रखो। शादी करवानी है ना, शादी करनी, तुम जाके करो उससे शादी, फिर वो नहीं करेगा। भाभी जी माफ कीजिएगा, आप समझ नहीं रही हैं, दरअसल ये शादी नहीं है, ये भाभी जी एक पुण्य का काम है, एक एहसान है जो ऊपर वाला भभूति जी के हाथों इस मॉडर्न कॉलोनी के लोगों के कल्याण करने के लिए करवाना चाह रहा है। भाभी जी अब आप ही बताओ, जहाँ मोहल्ले में है ना हम दो गरीब लौंडे हैं, अब 4-5 एकड़ जमीन हमको मिल जाएगी तो भलो जाओ ना हम गरीबन को। हमारी आत्माएं कितनी दुआएं देंगी विभूति सेठ को, जिंदगी भर पैर धो धो के पिएंगे। यहाँ हम इन लौंडों के साथ हैं, माना कि इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन ये लौंडे बिल्कुल सही कह रहे हैं, विभूति भैया को हम लोग भर भर के दुआएं देंगे। जब हम खेत में हल चलाएंगे और बैलों के गले में बंधे घुंघरू बजेंगे तो वो विभूति भैया के जीवन का राग सुनाएंगे। आप देखिए विभूति जी, यहाँ पर बैल भी है, घुंघरू भी और हल भी है, अब हाँ कह दें आप तो फिर जमीन भी हो जाएगी। अरे खजड़ू, ये देश की धरती चीख चीख के कह रही है यार, किसे बलिदान चाहिए? तू बलिदान दे दे तो ये धरती जो है वो सोना और हीरे उगलेगी। उस मांदली के साथ शादी कर ले। कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। नहीं करोगे तुम, ऐसा कुछ नहीं करोगे।
मैं एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने पति का सौदा नहीं कर सकती, सुन लो। बेबी, आई लव यू। जहाँ सारा जमाना मुझे पद से हटाने की कोशिश कर रहा है, एक तुम ही हो जिसने मेरा हाथ थाम कर रखा हुआ है, और तुम ही मुझे बचा सकती हो उस टॉक्सिक शादी से। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच, आई लव यू। अरे बांगला बांगला बांगला, अरे इधर किसी को आने को होते ही नहीं है। अरे एक मिनट, इधर ये बांगला बहुत बढ़िया है। अरे अब तेरे को बांगला बहुत बढ़िया देंगा। इधर अरे 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 भाई साहब, बांगला मारा मारे, क्या कर रहे हैं? अरे क्या नाटक है यार, क्या हो रहा है? मेरा बांगला। मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। फनी कपड़े हैं यार साला, अच्छा लग रहा है कि तुम खुला हुआ पीछे से। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसे हैं बा? भाभी जी बड़े पशु पेश में हूँ। कहाँ पेश हो रहे हैं आप? आपके सामने रोज पेश होते हैं, आप ही हैं कि रिबन नहीं खोलती है हमारा। आप क्या बोले? अरे भाभी जी बड़े कंफ्यूजन में हूँ, बड़े कंफ्यूजन, बिग कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है? भाभी जी एक तरफ बीवी है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ मोहल्ला है, समझ नहीं आ रहा किस तरफ निकल लूं। क्या बोल रहे हैं? हमरे कछु समझ नहीं आ रहा है। अभी सारी बात आके मछली करण पे टिक गई है। काहे का हुआ? अभी जी वो अपना हिंसा मछली लेकर है ना, मछली समाज का जो अध्यक्ष है वो कहता है कि मैं तुम्हारी कॉलोनी का मछलीकरण एक ही शर्त पे करूंगा। का शर्त? शर्त यह कि उसकी बहन है एक मानली मछलीकर, अगर मैं उससे शादी कर लूं तो वो हमारी कॉलोनी का मछलीकरण कर देगा। हाय दिया, लेकिन आपको का बहन से शादी करना पड़ेगा ना। अब जी एक्चुअली ये कुर्बानी तो मुझे देनी पड़ेगी। ऐसा कैसा कुर्बानी? और वैसे भी आपकी जिंदगी पर केवल आपका अधिकार नहीं है, अनीता जी का भी है, और उनके रहते आप दूसरा शादी ना ही कर सकते हैं। अभी जी दिस इज नीड ऑफ द आवर, यू नो, ये मेरी मजबूरी है। अच्छा भी ऐसा का, का, का मजबूरी है? अभी जी इस कॉलोनी के लोगों को जमीन चाहिए, उसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ी। और अनीता जी का क्या होगा? भाभी चिंता तो हमें आपकी भी हो रही है, ये आपको कौन छेड़ेगा? क्या बोले? भाभी जी मैंने ये सब इस मोहल्ले की खुशी के लिए किया है, आपकी खुशी के लिए किया है, और ये कुर्बानी मैं आपकी खुशी के लिए दे रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। ये सब कौन आप हमारी खुशी के लिए या कौन और की खुशी के लिए ना ही कर रहे हैं? ये आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। का है कि आप दूसरा शादी करना चाहते हैं, हमको तो ऐसा लगता है। भाभी जी मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट। तो का अनीता जी चाहते हैं? हाँ, अनीता चाहती थी, देयर वाज अ टाइम जब वो चाहती थी कि मेरी एक नहीं चार नहीं पांच शादियां हो जाएं। मुझे बेच भी दिया उसने कई बार, लेकिन इस बार कन्विंस नहीं हो रही है। आई डोंट नो, शी हैज सम प्रॉब्लम विद मानली मछलेकर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसके साथ उसको। अनीता जी को का, हमको भी प्रॉब्लम है। एक बात याद रखिए, अगर आप दूसरा शादी किए तो हमको भूल जाइएगा और यहाँ कभी ना ही आइएगा। हेलो भूरी, अच्छे बाद में बात करते हैं, और शादी ना ही कीजिएगा दूसरा। हाँ कहा है ना भूरी? एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि भाभी जी को भी मेरी दूसरी शादी से प्रॉब्लम है। I think she's Jay, you know. Jay. It's okay. तो तेरा ये आखिरी फैसला है बहू? तो आप मुझसे किस फैसले की उम्मीद करते हैं चाचा जी, कि मैं अपने पति को उनके हवाले कर दूं? और आपको नहीं लगता ये सरासर ज्यादती होगी मेरे और विभू के रिलेशनशिप पे? और इन फ्यूचर कभी भी लोग मेरा नाम लेंगे ना, तो मेरे नाम के आगे ना लालची औरत का टैग लगा देंगे। ये देखो, ये वही लालची औरत है जिसने जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने पति का सौदा कर दिया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाभी जी, देखिए हम बेहद क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप लालची नहीं है भाभी जी, बल्कि ये कार्य करने के बाद तो लोग आपकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे भाभी जी। अरे जी क्या, कुछ भी। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी जी, ये जो आपने बीड़ा उठाया ना भाभी जी, परोपकार करने का, दूसरे के बारे में अच्छा सोचने का, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता भाभी जी। ये उस महान व्यक्ति को मिलता है जो इस कार्य को करने के लिए सक्षम होता है, क्यों चाचा जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं
तिवारी जी, मैं कोई महान महान नहीं हूँ, मैं एक सीधी सादी सी आम लड़की हूँ। माना कि तू एक आम लड़की है, चल ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन आम लड़की की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। भाई आम लड़की के भी तो कुछ सपने होते हैं, क्या तेरा मन नहीं करता कि तू भी आगे बढ़े? चाचा जी मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन मैं अपने पति की कुर्बानी देकर अपने कोई सपने पूरा नहीं करना चाहती हूँ। जी आपको पति की कुर्बानी देने के लिए कौन कह रहा है? अरे आप ही लोग तो कह रहे हैं कब से। भाभी लगता है आप शायद हमारी बात समझ नहीं पा रही हैं। नहीं आप समझाइए जरा मुझे। देखिए भाभी जी, आज के जमाने में जिस आदमी के पास एक एकड़ जमीन है वो करोड़पति है। जी वो कैसे? क्योंकि कम क्षेत्र में खेती करके ज्यादा मुनाफा कमाने की जो स्कीम हमारे भारतवर्ष में चली है उसे बहुत लोगों ने मुनाफा कमाया है। अब हमारे ही एक मित्र हैं, उन्होंने कोई एक एकड़ में, हाँ हाँ एक एक एकड़ में जो है वो मशरूम बोए थे और साल में तकरीबन उन्हें 15 लाख रुपए का फायदा हुआ। भाभी सुन सुन ले, तू खुद सुन ले। सिर्फ एक एकड़ में? जी हाँ भाभी जी, और आप सोचिए आपको तो 10 एकड़ जमीन मिलने वाली है, तो आप सोचिए आपको कितना फायदा होगा। तकरीबन कितना? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपए का फायदा होगा भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं। नहीं 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 तिवारी जी, मेरा पति मेरे लिए ज्यादा कीमती है। अरे भाभी जी, भभूति जी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी तो ऐश ही ऐश है। अब देखिए भाभी जी, क्या है कि जैसे ही भभूति जी की डोली यहां से मांडली मचरेकर के घर जाएगी, उसके बाद भाभी जी आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, बिजनेस में इजाफा होगा भाभी जी, गाड़ियां चलेंगी। और भाभी यही घर, यही जो शर्मा जी का घर है जिसमें आप रह रही हैं किराए पर, ये आप खरीद सकती हैं और उसके बाद इसे तुड़वा कर जो है नया बनवा सकती हैं। भाभी जी इसका इंटीरियर करवा सकती हैं, मुंबई के टॉप आर्किटेक्ट को बुलाकर, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों के घर होते हैं वैसे, समझिए। समझ रही है ना? मेरा दिल नहीं मान रहा है। नहीं बात के नाइट यू हवलदार साहब, ऐसे घोर घोर के हमारे गुर्दे क्यों नोच रहा हो तुम? गुर्दे तो तुम्हारे बाद में नोचूंगा, पहले बताओ लौंडो कि तुमने कहीं रूसी को देखा है? हाँ बा, ये रूसा की बात कर रहा हूँ, कछू भी मत बोलियो। एक्सक्यूज मी, मैंने पूछा कि तुम लोगों ने कहीं रूसी को देखा है? आप देखा तो था हवलदार साहब। कहा देखा? अब सुबह देखे है तो हमारे साथ आइसक्रीम खा रही है थी, टिलो भी खा रहा तो मैं भी खा रहा तो वो दोनों को आइसक्रीम खिला रही है थी। रूसी ने तुम्हें आइसक्रीम खिलाई? अरे हवलदार साहब, सिर्फ आइसक्रीम ना खिला रही थी, साथ में बड़े मजेदार बर्फ के गोले भी खिला रही थी और नेले पे देला, उसका बिल भी हमारी रूसी ने दिया था। ओह माय गॉड, रूसी ने तुम्हारा बिल भी भरा? ओ, वो हमारो बिल पे करती है हमेशा, हैं? क्लब ले जाती है, डिस्को ले जाती है, सारो खर्चों को हम पे करती है। एक बात समझ में नहीं आ रही,
रूसी के पास इतने पैसे कहां से आते हैं? आप शक्ल से या फिर बचपन से? अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि रूसी के जीजा कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर। अच्छा, रूसी के जीजा पुलिस कमिश्नर है? कौन से पुलिस में? कानपुर पुलिस में। What? लेकिन कानपुर पुलिस में तो एक ही कमिश्नर है, कमिश्नर रेशमपाल सिंह। तो हम बाकी तो बात कर रहे हैं, हैं? जिसको नाम तुम ले रहे हो। What? मतलब तुम हमारे कमिश्नर रेशमपाल सिंह की बात कर रहे हो? तो फिर क्या हम उनकी बीवी की बात करेंगे? ये गुस्ताखी कभी मत करना लौंडो, उनकी बीवी बहुत खतरनाक है, तुम दोनों का शहर में जीना मुश्किल कर देंगे। अरे हवलदार साहब, आप खड़े खड़े हम दोनों का टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप ये बताओ कि आप क्या कहना चाह रहे हो? अरे मैं तो कमिश्नर साहब की बिल्ली रूसी की बात कर रहा हूँ। उसी बात बिल्ली? ओ कमिश्नर के हवलदार, इतनी देर से तुम ये रूसी बिल्ली की बात कर रहे हो तुम कमिश्नर साहब की? और नहीं तो क्या। हम समझ रहे हैं कि तुम कमिश्नर साहब की साली रूसा की बात कर रहे हो। बेटा बात तो मैं रूसा की ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को बताना खतरे से खाली नहीं। ओ उसमें कहाँ होगा, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। कुछ नहीं कुछ नहीं, आप लोग एंजॉय करो। आप दरवाजा बंद करो। ओके बाय बाय। ओके आई एम सॉरी। भाई हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि एक बार भभूति जी की शादी वो माछलेकर की बहन मांडेली माछलेकर से हो जाए तो बस फिर हम सबका भला हो जाएगा। और वो जो बिचारी अनीता जी का जीवन बर्बाद होगा, वो का? अरे भाभी जी का जीवन काहे बर्बाद होगा, उन्हें 5 एकड़ जमीन मिल तो रही है। का करेंगी 5 एकड़ जमीन का, घुइया बोएंगी उसमें अकेले? वो जब भरभूति जी वो मांडेली मच्छरदानी के साथ मच्छरदानी मांडेली माछ लेकर ऐसे ही पकड़े हैं उससे शादी करके चले जाएंगे तो बिचारी अनीता जी तो अकेली रह जाएंगी ना। पगली एक आदमी वो दुई दुई बीवियां भी तो रखता है ना। हमको एक बात बताइए, आप भी फटूरे में ऐसा करने का सोच रहे का? वो फ्यूचर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, देखिए हम आपको बोल रहे हैं, आपको भी सोचना भी ना ही ना ही। तो पगली तुम बिना कसम से, देखो पगली हम ऐसा काय करेंगे भला, हा? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं पगली, आखिरकार तुम हमारी बीवी हो। तो क्या भरभूति जी अनीता जी से प्रेम नहीं करते? अनीता जी भरभूति जी से प्रेम नहीं करती हैं? अरे तुम बिना कौन सा राग चल रहा है और कौन सा राग बीच में घुसेड़ रही हो। बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, वो शादीशुदा हैं दोनों। तुम फिलहाल चुप रहो, हम तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनेंगे, समझ गए ना? और एक बात समझ लो, अगर इस बारे में तुमने कोई भी अड़ंगा डाला तो फिर तुम हमारा मरा मुंह देखोगी। अरे हमें जमीन की बहुत जरूरत है पगली, हमारे धंधे में हमें वैसे ही बहुत नुकसान हो चुका है, अब ये बात जहां होगी हो गई, अब खत्म बस। एक्चुअली मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि तुम्हें पाकर एज वाइफ मैं मेरे लिए धन्य हो गया, ब्लेस्ड हो गया। तो मेरी जिंदगी की वो मशाल हो जिसे पकड़कर मैं किसी भी अंधेरी गुफा से बाहर आ सकता हूँ। भाभी जी 5 एकड़ जमीन। तुम वो शासक हो दिन रात जो मेरा बैंड बजाती है, लेकिन क्यों, मैं जानता हूँ तुम चाहती हो कि मैं बाहर निकल के दुनिया से लड़ सकूँ, स्ट्रांग बन सकूँ। तो मुझे उठते बैठते ताने देती हो, जलील करती हो। आपका फार्म हाउस, आपकी खेती। मुझे ये भी श्योरिटी है कि तुम मुझे हिलसा मछलेकर की बहन मानली के साथ शायद शेयर ना करो। आई एम श्योर यू नो। भाभी जी क्या सोच रही है? मैंने टिकट टुल्लू से पूछा, उन्हें कहा कर लो, लेकिन एक तुम ही हो, यू नो यू आर द ओनली वन जिसने कहा कि कर लो। क्या हो गया अगर शादी कर भी ली तो? मैं शादी कर लूंगा तो तुम्हारा क्या होगा फिर? मेरा तुम्हारा कितना अच्छा हो जाएगा वो सोचो, सोचो शादी के बाद
5 एकड़ जमीन तुम्हें मिल जाएगी और 5 एकड़ जमीन मुझे मिल जाएगी। टोटल 10 एकड़ के मालिक हो जाएंगे हम लोग। तुम ना बस उस पर हल चलाना और हाँ, बाजरे और मक्के की खेती करना, ताकि जब भी मौका मिले हम दोनों चुपके से उस बाजरे के खेत में मिलेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम यार? मुझे लगा था कि तुम उस हिलसा मछलेकर की बहन मानली के साथ मुझे शेयर ना करो, लेकिन तुमने तो मेरा यकीन तोड़ दिया यार। इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है विभू, मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ लेकिन थोड़े टाइम के लिए। एक बार शादी हो जाने दो, फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर रास्ते में उस हिलसा मछलेकर ने जाल बिछा दिया तो? यू डोंट वरी विभू, तलाक की कैची मछलेकर के बिछाए हुए जालों को ना तार तार कर देगी। बस एक बार जमीन हाथ आ जाने दो। तुझे तो हीरा समझा था दोस्त, तू ना हीरा निकला ना नगीना निकला। हम समझते थे कि इस दुनिया में एक हम ही कमीने हैं, लेकिन डोंट यू डेयर।